जैसा कि हम जानते हैं, संसद या विधानमंडल की तीन वित्तीय समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। आज हम बात कर रहे हैं लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। 5 दिसंबर 2022 को लोक लेखा समिति 101 साल की हो चुकी है। लोक लेखा समिति का भारतीय राजनीतिक जीवन में उदय 1896 के वेल्बी आयोग के उन सिफारिशों के साथ जुड़ा हुआ है जो उसने ब्रिटिश सरकार की वित्तीय अनियमितताओं को प्रकट करने वाली उस देश की लेखा समिति के संरक्षण के लिए दी गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में इस प्रकार की समिति की स्थापना को स्वीकार किया गया तथा भारत सरकार ने विदेश सचिव मिस्टर मॉन्टेग्यू को अपने एक संदेश में निर्देश दिया था कि प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद का यह संवैधानिक दायित्व होगा कि वह लोक लेखा के लिए एक समिति की स्थापना करे। ब्रिटिश भारत में 1920 में निरूपित विधायी नियम संख्या 67(1) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में 1921 में प्रथम लोक लेखा समिति की स्थापना हुई। भारतीय लोकतंत्र ब्रिटिश प्रणाली का एक प्रतिरूप है, अतः स्वतंत्रता के बाद अप्रैल 1950 में हमारे यहाँ भी लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। बात झारखंड विधानसभा की करें तो इसकी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 237 के तहत झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति का गठन होता है। लोक लेखा समिति मुख्य रूप से सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या धन विधानसभा द्वारा प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है और उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए वह प्रदान किया गया था। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि से अतिरिक्त राशि खर्च की गई हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण ऐसा अतिरिक्त व्यय करना पड़ा हो और उसके बारे में ऐसी सिफारिश करती है जो वह उचित समझे। ऐसे अतिरिक्त व्यय के विनियमन के लिए सरकार द्वारा उसे सदन के समक्ष लाना अपेक्षित होता है। समिति केवल तकनीकी अनियमितताओं का ही पता नहीं लगाती बल्कि वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार या अकुशलता को भी प्रकाश में लाती है। समिति संबंधित विभाग द्वारा की गई फिजूल खर्ची की भी निंदा कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर जहां भी सार्वजनिक धन का व्यय होता है वहां वहां ये समिति जांच कर सकती है। समिति जांच करने के लिए विषयों का चयन राज्य के लेखाओं से संबंधित नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से करती है जो सदन के समक्ष रखे जाते हैं। राज्य का प्रधान महालेखाकार समिति की बैठकों में भाग लेता है और समिति की सहायता करता है। मोटे तौर पर समिति की दो सीमाएं होती हैं। पहला यह कि नीति के प्रश्न से इसका कोई सरोकार नहीं होता है और दूसरा यह कि इसके निष्कर्ष कार्यों के उपरांत होते हैं। अर्थात समिति अनियमितताएं तभी प्रकाश में ला सकती हैं जब वे हो चुकी हों और क्षति पहुंच चुकी हो। फिर भी समिति की जांच को विभागों द्वारा बहुत गंभीर रूप से लिया जाता है। ऐसी समिति का अस्तित्व ही प्रशासनिक अपव्यय और फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में प्रभाव रखता है। समिति की सिफारिशें वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।